केवल नीट या जी ही नहीं बल्कि किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए कोचिंग के साथ साथ स्टूडेंट के घर का माहौल भी बिल्कुल खास और अलग होना चाहिए, तभी विद्यार्थियों को उनका टारगेट अचीव करना संभव हो पाएगा। न्यूज़ टुडे से एक खास मुलाकात में यह कहा शहर दरभंगा के सबसे प्रतिष्ठित और बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्थाओं में से एक ग्रे मैटर खानकाह चौक के डायरेक्टर डॉक्टर अनिकेत श्रीवास्तव ने। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि बच्चों पर बिल्कुल भी कोई दबाव नहीं होना चाहिए, उन्हें अपना फील्ड चुनने की आज़ादी अभिभावकों को देनी चाहिए और चुने हुए फील्ड में वो अपने टारगेट को अचीव करे, इसमें अभिभावक को भी घर का माहौल अच्छा रखकर बच्चों की विद्यार्थियों की मदद करनी चाहिए। हाँ, तो ग्रे मैटर में आप बहुत अच्छी व्यवस्था दे देते हैं, मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। घर का माहौल, चूंकि आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, आपने MBBS खुद किया, जीरो से शुरुआत की, घर का माहौल कैसा होना चाहिए किसी भी कंपटीशन के लिए, केवल नीट ही नहीं? देखिए, घर का माहौल कोऑपरेटिव होना चाहिए, सपोर्टिव बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर घर वाले समझते हैं कि देखिए मेडिकल एंट्रेंस जो एग्जाम है इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं, एक दो बार में जनरली नहीं होता, दो तीन अटेम्प्ट लगते हैं, तो अगर घर वाले कोऑपरेटिव हैं, घर वाले जनरली होता है कि कभी कभी रिलेटिव लोग ताना मारते हैं कि कोटा गया दिल्ली के नहीं निकाल पाए या ड्रॉप ले रहे हो, कितना पैसा बर्बाद कर रहे हो पेरेंट्स का, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तो बिल्कुल सफल होंगे। MBBS टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं है। आज 6 साल 7 साल लोग ड्रॉप करके MBBS के सीट के लिए, वो जो जुनून एक नशा है उसको पाने के लिए लोग 7 साल 8 साल मेहनत कर रहे हैं, तो फैमिली को होना चाहिए कि सपोर्ट पूरा करे, बच्चा जब तक चाहे इन्हें एक अटेम्प्ट और देना है, हमको देना है, उनको पूरा कॉपरेट करे बच्चे को, पेरेंट्स को करना चाहिए, ताकि बच्चा, क्योंकि देखिए अगर एक बार बच्चा ड्रॉप ले ले और फिर सेलेक्ट हो जाए तो वो बेहतर है कि आगे की जो जिंदगी के साल है 50-60 साल है वो बेहतर बनाएगा, रैदर देन कि मान लीजिए कोई और कोर्स आयुर्वेदा या होम्योपैथी या यूनानी ले ले, तो उसमें बच्चा को लगता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, वो रिग्रेट करता है, तो उससे बेहतर है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए और कॉपरेट करें और बच्चे को जब तक मौका हो, जब तक इच्छा हो उनका एग्जाम देने को, एज लिमिट नहीं है, आप एग्जाम 50-60-70 साल तक भी दे सकते हो।